हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप छोटा वीडियो कैनवा के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ क्लिप्स चाहिए होगी और कुछ साउंड, और आप खुद भी अपनी आवाज़ टेप कर सकते हैं, लेकिन आज हम केवल क्लिप्स से वीडियो बनाना बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वेलकम क्लिप लेते हैं, जो इसमें देखते हैं कहाँ पर है और फ्री में है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिसमें भी क्राउन बना है वो फ्री नहीं है, तो ये देखिए ये फ्री वाली है, इसको ले लेंगे। फिर कुछ वीडियो हम अपने डाल लेंगे जिसको हमें क्रिएट करना है, अपलोड फाइल करेंगे। कुछ वीडियो की क्लिप्स हमने अपने आप डालनी है, तो ये हमने दो क्लिप ले रखी है पहले से। इसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं जो आप चाहें, तो यहाँ से और इसको यहाँ से हम क्लिप ले लेंगे, एक लोटस वाली ले लेंगे, जिसमें लोटस के सीन पूरा पड़ा हुआ है। लेकिन अब एक सीन में हम दो सीन को कैसे ऐड करते हैं देखेंगे। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, पूरे स्क्रीन पर इसको सेट कर लीजिएगा। जब ये स्क्रीन पे सेट हो जाए तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लें और दूसरे वीडियो को ले आएंगे, क्लिप को, जिसको हमें यहाँ पर डालना है। इसमें देखिए ये स्नेल चल रहा है जिसको हमें इसमें डालना है, और दो सीन को मिला करके एक सीन बनाना है। तो यहाँ पर ये इसको फिट करेंगे और यहाँ पर इसको लगा देंगे। अब देखिए दो सीन मिलकर के एक सीन बना, लेकिन देखिए इसमें स्नेल कट रहा है, तो इसको ऊपर से कम करिए और इधर से बढ़ाइए, तो आपका पूरा स्नेल दिखेगा। अब इसको ऊपर कर दीजिए, लोटस वाले को आप बढ़ा सकते हैं। जब दो सीन मिलाइएगा तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब दो सीन मिलाकर हम लोग एक सीन बना रहे हैं, तो इसको प्ले करके देखिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों सीन आपका चलेगा। अब ये जब हो गया तो इसमें अगर आपको म्यूजिक डालना है तो आप म्यूजिक भी डाल सकते हो, और बाद में अगर आपको थैंक्स बोलना है तो थैंक्स के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि कोई आपका वीडियो थैंक्स वाला है क्या। तो यहाँ पर क्लिप हम लोग लेंगे थैंक्स की, और फ्री वाली लेंगे जिससे कि कॉपीराइट ना आए। तो यहाँ पर कोई ऐसी मिल नहीं रही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आ गया यहाँ पे, ये वाली ले सकते हैं। और भी देख लें, अगर कोई नेचर से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेलकम बैक टू योर चैनल, वेलकम आ गया, और आप प्लेन सीन लेकर भी थैंक यू लिख सकते हैं। तो अगर ये वाला आप लेते हैं तो आप इस पे थैंक यू लिख सकते हैं, और हम लोग ये भी सीख लेंगे कि टेक्स्ट को कैसे हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर ये आएंगे और थर्ड वाले में ये वाला वीडियो अपलोड करेंगे। ये वाला फ्री में है तो इसको कॉपी करेंगे और इस वाले वीडियो में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये जब आ गया तो आप टेक्स्ट लगा करके आप थैंक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग ले लिया,
यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट कलर के फॉन्ट भी मिल रहे हैं, तो आप फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ब्लू कलर का कोई नहीं है तो हम लोग कोई ऐसा ही ले लेते हैं जो अच्छा हो। हम लोग ऐसा लेंगे जिसमें ये देखिए ये नहीं हो, क्राउन ना हो, तो चेयर्स वाला ले लें अच्छा है ये। और चेयर्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं थैंक्स, मैं शायद वीडियो इसलिए नहीं ले रहा था, तो हम लोग दूसरा कोई लेंगे। थैंक्स करा, यहाँ सर्च टेक्स्ट करा, थैंक्स करा, ये आया थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। तो हम लोग सिंपल थैंक यू वाला ले लेते हैं। तो इसको छोटा कर ले, छोटा करने के लिए यहां से भी आप कर सकते हैं इसको 96 करा, तो केवल एक हुआ, इसको भी कर दे 96, तो ये छोटा हो जाएगा। अब इसको कम किया, अच्छा ऐसे छोटा हो जा रहा था तो हमें जरूरत ही क्या थी इसको करने की। ये आया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। वो कलर में अगर लाइट ब्लू कर दे ये अच्छा लगेगा, ये करा अभी नहीं अच्छा लग रहा, ये करा ये तो है ही है। तो इसकी साइज बस छोटी कर देते हैं, चलिए और इधर कर देते हैं। थैंक यू। अब इसको ये छोटा सिंपल हमारा वीडियो बन गया। अब जब बन गया तो इसमें हम लोग साउंड डालेंगे, तो साउंड डालने के लिए फिर यहाँ पे ऑडियो में जाएंगे और हमने YouTube से फ्री की साउंड भी है उसको यूज़ कर लिया ऑडियो को। यहाँ से जब हम लोग बोलेंगे अपलोड तो यहाँ पे ऑडियो में जाएंगे, तो ये देखिए हमने ले रखा है, इसको डालेंगे। तो इसको डालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डालने से पहले हमको होम पे जाना पड़ेगा, और क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑलरेडी वीडियो है ऑडियो है, तो यहाँ से लेकर के फिर इसको ऑडियो को यहाँ डालना पड़ेगा। अब ये देखिए अब यहाँ से ट्रिम भी हो सकता है, इसको जब उठाकर हम इधर कर देंगे तो ये ऑडियो जो है वो ट्रिम हो जाएगा। इसको उठा करके यहाँ पे करेंगे, ये तो अब ये देखिए आपका ऑडियो यहाँ से आ गया और अंत तक गया होगा, ये देखिए तो यहाँ तक ऑडियो आ गया। अब अगर आपको अपनी वॉइस डालनी है तो वो हम बोल ही रहे हैं लगातार तो उसमें जा ही रही होगी, और लेकिन यहाँ से रिकॉर्ड योर सेल्फ करिएगा और तब रिकॉर्ड करिएगा कैनवा के अंदर, तो कैनवा में हो जाएगी। अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डर से कर रहे हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर में हो रही होगी। अब हमारा वीडियो बन गया है, इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे साउंड क्योंकि हमारी ज्यादा हो गई है तो इसको हम कम करेंगे, और
अब ये देखिए, आपका ध्यान दीजिए, दोनों वीडियो चल रहा है, यहाँ पर वाटर हिल रहा है और यहाँ पर स्नेल चल रहा है। नेक्स्ट में हमने थैंक यू लिखा है वीडियो में, तो वो आ जाएगा इस वीडियो में और हम लोग वीडियो को यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी क्लिप मिलाकर हम कैनवा में वीडियो बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि कैनवा के अंदर ही कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और कैसे अपनी वॉइस को टेप करते हैं। सो दिस इज ऑल टू द व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ से जो वीडियो आपने बनाया है आप डाउनलोड करिएगा, तो वो देखें यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। सेव डाउनलोड सेटिंग कर दीजिएगा, डाउनलोड करिएगा, तो ये आपका वीडियो जो है देखिए डाउनलोड हो जाएगा। किस फॉर्म में? MP4 फॉर्म में। MP4 फॉर्म में सेव जब हो जाएगा, हमने जानबूझ के कैनवा में इसलिए नहीं आज रिकॉर्ड किया है क्योंकि इसमें सिंपल क्लिपिंग वाला वीडियो बना है और कल विद वॉइस करेंगे। या आप कमेंट में लिखिएगा कि अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैनवा के अंदर चाहिए, अपना रिकॉर्ड योर सेल्फ करने पे चाहिए, तो उसको करेंगे हम लोग, जिससे कि आप कैनवा में भी वीडियो को बना पाइए। सो ये डाउनलोड करने में थोड़ा से टाइम लेगा आपका, इसको डाउनलोड करना कर लीजिएगा आप, करके देखिएगा कि कैसे हो रहा है। और कैनवा में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए छोटे छोटे वीडियो आप आसानी से बना सकते हैं। अब कैनवा में जब आप वीडियो बनाइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल वर्जन भी मिलता है, फेसबुक पोस्ट मिलता है, इंस्टाग्राम पोस्ट मिलता है। इसको जब आप करिएगा तो आप मोबाइल वर्जन में अपने वीडियो को बना पाइएगा। यहाँ पर कोलाज बन जाएगा, यहाँ पर मोबाइल वीडियो देखिए बता रहा है, तो यहाँ से जाकर आप मोबाइल वीडियो फॉर्म में छोटे वीडियो को बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड हो गया तो अब हम लोग वीडियो अपना खत्म करते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। थैंक यू।